ओप्पो ने अपना नया सेल्फी फोन ओप्पो F3 Plus इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इस फोन की कीमत रखी गई है 31,000 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांकर और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी सेल्फी फोन ओप्पो F3 Plus के बारे में। अगर आप ओप्पो के एड्स को ध्यान से देखें, चाहे वो टीवी पर हो या फिर इनकी होर्डिंग्स हो, आपको ओप्पो के लोगो के नीचे लिखा मिलेगा कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो केवल और केवल कैमरा की बात करता है और कैमरा पे ही फोकस करता है। बाकी के स्पेसिफिकेशंस उतने भी बुरे नहीं हैं, मगर प्राइस के हिसाब से उनमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती थी। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ओप्पो F3 Plus की डिज़ाइन के बारे में, इसके प्रोसेसर के बारे में, डिस्प्ले के बारे में, कैमरा के बारे में और बाकी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी डिजाइन से। ओप्पो F3 Plus की डिजाइन में आपको कुछ भी नया नहीं मिलता है। ओप्पो ऐसी ही डिजाइन का इस्तेमाल अपने सभी फोन में करता है। ये डिजाइन आईफोन की डिजाइन से इंस्पायर लगती है। मीजू और वीवो भी कुछ ऐसी ही डिजाइन का इस्तेमाल अपने सभी फोनों में करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है एक लार्ज 6 इंच का डिस्प्ले पैनल, जिसकी वजह से ये फोन थोड़ा सा बड़ा है। डिस्प्ले के ऊपर मिलता है डुअल कैमरा सेटअप और डिस्प्ले के नीचे एक फिजिकल होम बटन है जिस पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इसके दोनों तरफ आपको 2 टच बटन भी मिलती हैं। बाईं तरफ आप देखें तो वॉल्यूम कम ज़्यादा करने की बटन का सेटअप है और दाईं तरफ सिम कार्ड स्लॉट है और फोन की पावर बटन है। नीचे की तरफ स्पीकर, माइक्रो USB पोर्ट और ऑडियो जैक का पोर्ट मिलता है। अगर आप पीछे देखें तो आपको बैक कैमरा एकदम कोने में ऊपर मिलता है और इस पर ओप्पो भी लिखा हुआ है। ये फ़ोन थोड़ा भारी है, इसका वजन है 185 ग्राम। डिस्प्ले पैनल बड़ा होने की वजह से ये फ़ोन आसानी से हाथ में नहीं आता है और अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप इस फ़ोन को इस्तेमाल करने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। डिस्प्ले में आपको मिलता है 6 इंच का फुल HD 2.5D ग्लास पैनल। उसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है, जिससे कि इस फ़ोन के डिस्प्ले में स्क्रैचेस आसानी से ना आए। इस फोन में मिलता है आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि स्नैपड्रैगन 653 चिपसेट और एटीनो 510 GPU के साथ आता है। आपको यहाँ पर 4 GB रैम भी मिलती है, लेकिन 31,000 रुपये लगाने के बाद आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है जो कि बहुत ही साधारण सी है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन एक 15,000 रुपये के फ़ोन में आजकल देखी जा सकती है। 20,000 रुपये से कम में आपको स्नैपड्रैगन 820 चिपसेट के फ़ोन मिल जाते हैं। ओप्पो का ये मानना है कि ये फ़ोन सेल्फ़ी खींचने वाले लोगों के लिए है, जिन लोगों को बहुत हैवी ग्राफिक्स के गेम नहीं चलाने हैं उनके लिए ये ठीक है। आपको इस फ़ोन में मिलता है 64 GB का स्टोरेज, जिसको आप 256 GB तक बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन माइक्रो SD कार्ड स्लॉट लगाने के बाद ये फ़ोन आपका सिंगल सिम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिलते हैं आपको हाइब्रिड स्लॉट। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको कलर OS का वर्जन 3, जो कि एंड्रॉयड 6 मार्शमेलो के ऊपर बनाया गया है। जी हाँ, आपको यहाँ पर एंड्रॉयड नूगा नहीं मिलता है। यहाँ हमें एंड्रॉयड O का प्रीव्यू मिल गया है और ओप्पो अभी भी एंड्रॉयड मार्शमेलो का इस्तेमाल कर रही है। इस फोन में आपको मिलता है 16 MP का कैमरा। इस कैमरा में सोनी IMX 398 सेंसर, डुअल फोकस PDAF, 6P लेंस, डुअल टोन LED फ्लैश, OIS और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दिए गए हैं। इस फोन का कैमरा अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। मैंने कुछ शॉट लिए थे और जिस तरह की वहाँ लाइट थी उस हिसाब से फ़ोटो इस फ़ोन ने अच्छी खींची। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा सेटअप की। यहाँ आपको मिलते हैं 2 कैमरा सेंसर। एक है 16 MP का सेंसर, जिसमें मिलता है आपको 76.4 डिग्री का वाइड एंगल लेंस, और दूसरा है 8 MP का कैमरा सेंसर, जहाँ आपको मिलता है 120 डिग्री का वाइड एंगल लेंस। ये सेटअप बहुत ही अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस देता है, बुके इफेक्ट मिलता है आपको, बट फ्रंट कैमरा फ्लैश नहीं है, इसीलिए आप कम रोशनी में या अंधेरे में या रात में सेल्फीज़ अच्छी नहीं खींच सकते हैं। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि जब कंपनी केवल सेल्फी और सेल्फी के बारे में बात कर रही है तो उसने ये एक बेसिक सा फीचर क्यों मिस कर दिया। मैंने कुछ सेल्फीज़ भी खींची थी जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फोन में आपको और मिलते हैं 4G विद वॉइस ओवर LTE, यानी आप जियो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डुअल बैंड वाईफाई मिलता है आपको, ब्लूटूथ 4.1 मिलता है, GPS और माइक्रो USB जैसे कनेक्टिविटी के ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें कि फास्ट चार्जिंग भी है, जो कि VOOC फास्ट चार्जिंग है। अभी मैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना लगेगा कि 4000 mAh की बैटरी है और आप केवल और केवल सेल्फी के लिए इस फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ोन की बैटरी आपको एक दिन से ज़्यादा का यूसेज दे देगी। दोस्तों, ये तो रही बात ओप्पो F3 Plus की। इस फोन में मिलता है आपको अच्छा कैमरा सेटअप, अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छा डिस्प्ले, मगर इसकी परफॉर्मेंस सेटअप जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। इस प्राइस में सबसे अच्छा फ़ोन अगर मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ तो वो है OnePlus 3T।
लेकिन वो फोन केवल ऑनलाइन मिलता है। और ऑफलाइन मार्केट की बात अगर मैं करूं तो वीवो वी फाइव प्लस एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो कि आप इस फोन के अलावा खरीद सकते हैं। आप इस फोन पे ना जाके आप वीवो वी फाइव प्लस पे जा सकते हैं, क्योंकि उस पे मिलता है आपको ऐसा ही डुअल कैमरा सेटअप लेकिन फ्रंट फ्लैश के साथ। जी हाँ, फ्रंट फ्लैश इस फोन में नहीं है मगर उस फोन में है, यानी आप अंधेरे में कम लाइट में अच्छी सेल्फी उस फोन से खींच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए ऐसे ही हिंदी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।